सो फ्रेंड अभी मैं हूँ यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल फील्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जेसीबी मशीन का ट्रेनिंग हो रहा है और कुछ स्टूडेंट हमारे जो कि उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो अभी हम चल के जानते हैं अपने स्टूडेंट से कि यहाँ पे उनको ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है और फीडबैक को समझते हैं। आइए, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू चौरसिया। श्याम बाबू चौरसिया का कितना दिन हुआ यहाँ का? क्या हमारा सर 17 दिन। कहाँ पे आए हैं, क्या सीखने आए हैं? क्या हम साबुदीन ट्रेनिंग सेंटर झारखंड में जेसीबी सीखने आए हैं। जेसीबी सीखने आए, कितना दिन हुआ आपने यहाँ पे आज? लगभग 17 दिन हो। 17 दिन हो गया, कैसा अनुभव रहा यहाँ? अच्छा रहा सर। क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डरते हैं कि यार वहाँ जाएंगे तो पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो क्या आपका अनुभव रहा, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं उन सभी व्यूअर्सों को मैं बताना चाहूँगा कि आप बेहिचक साबुदीन ट्रेनिंग सेंटर झारखंड में आए, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीके से हम लोग को सर ट्रेनिंग देते हैं, जो हम लोग को जैसा ट्रेनिंग चाहिए वैसा ट्रेनिंग हम लोग को मिलता रहता है सर। बहुत बढ़िया। इससे पहले आपने कहीं हेल्परी किया था? नहीं सर, कहीं भी हेल्परी नहीं किया। बहुत सारे लोग ये भी मन में डरते हैं कि यार मैं हेल्परी नहीं किया हूँ कहीं पे और मैं अभी कुछ जानता भी नहीं चलाने के लिए, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो मैं एक महीने में सीख जाऊँगा। उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी हेल्पर कहीं हेल्परी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे सर के इंस्टीट्यूट पे आए और एक महीने में ऑपरेटर बन के जाएं। आप हेल्परी किए हो या ना किए, आपको अगर मोटरसाइकिल भी चलाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप जेसीबी चला के यहाँ से जाओगे, राइट? अब मिलते हैं कुछ दूसरे स्टूडेंट से। क्या नाम हुआ आपका? राम किशन बगड़िया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, आपके यहाँ पे कितना दिन का एक्सपीरियंस रहा? 13 दिन का एक्सपीरियंस रहा सर। 13 दिन हुआ यहाँ पे आपका सर। कैसा अनुभव मिला यहाँ पे आपको? अच्छा अनुभव मिला सर। ट्रेनिंग सही मिल रहा है आपको? बिल्कुल सही। क्या लगता है आपको, एक महीने में आप सीख पाएंगे पूरी तरह से? बिल्कुल सीख पाऊंगा सर। जो लड़के लोग डरते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए बिल्कुल, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। और 30 दिन के अंदर अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। डेली आपको कितना मशीन मिलता चलाने के लिए? आधा घंटा मशीन। अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, क्या काम कर रहे थे अभी आप? लोडर चला रहे थे। लोडर चला रहे थे, कितना दिन हुआ आपको लोडर चला दिया? 2 दिन सर। 2 दिन हो गया है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम अपने कुछ और स्टूडेंट से मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर मनोज नाम। मनोज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। थोड़ा जोर से बोलेंगे, कहाँ के रहने वाले? यूपी सर। यूपी के रहने वाले, अम्बेडकर नगर। ओके, आप क्या सीखने आओ यहाँ पे? सर जेसीबी सीखने आए। जेसीबी सीखने आए, आपने कहीं हेल्परी किया था मनोज? जी सर नहीं किया। नहीं किया है। आपका कितना दिन हुआ यहाँ का? सर अभी 6 दिन हो गया। 6 दिन हुआ है, 6 दिन में आपको यहाँ पे कैसा लगा? सर अच्छा लगा, हम लोग पहले सीख मिल रहा है आपको, कहीं आपने पहले हेल्परी किया था? नहीं सर नहीं किया। नहीं किया था। क्या नाम हुआ आपका? चित्रंजन है। चित्रंजन, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? चित्रंजन है नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के सर। बिहार के रहने वाले, क्या सीखना है यहाँ पे आप? साइको लोडर। साइको लोडर, कितना दिन हुआ यहाँ पे आपका? 6 दिन सर। 6 दिन हो गया है, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगता। क्या लगता है आपको, 6 दिन में आपको जो चीज़ सीख मिला सर, 30 दिन में आप पूरा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, सीख पाएंगे सर, पूरा सीख जाएंगे। यहाँ पे सुविधा क्या क्या आपकी? खाना खाना फ्री है सर। जो लोग आने वाले हैं यूपी से बिहार से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आ सकते हैं, आ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, 1 महीने में ट्रेनिंग ऑपरेटर हो जाएंगे। बहुत अगर आप चाहते हैं जेसीबी मशीन का ट्रेनिंग लेना, एक्सकवेटर मशीन का ट्रेनिंग लेना, लोडर मशीन का ट्रेनिंग लेना, तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिस तरीके से ये मेरे सारे स्टूडेंट अलग अलग स्टेट अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उस तरीके से आप भी आकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक बेहतर ऑपरेटर यहाँ से बन के जा सकते हैं। जिस तरीके से भी हमारे सारे लड़कों ने अपना फीडबैक दिया, अपना ओपिनियन दिया, जो जेन्युइन था बिल्कुल, इसको ऐसा नहीं कि हमने ये स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप लोगों को कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है कि आप लोगों को सिखाया गया इसे बोलने के लिए? आप लोग एक जनरल सब एक साथ बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। यहाँ पर ट्रेनिंग कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, हमको डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए सर। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड, ये एनर्जी यहाँ पे आता है, हमारे सारे स्टूडेंट में ये एनर्जी होती है जो लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। तो आप भी आते हैं तो आपको भी डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरीके से एनर्जी इन लोगों के अंदर में है, वही एनर्जी आप लोगों के अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइको लोडर की ट्रेनिंग हो रही है, उसके जस्ट पीछे वहाँ पे एक्सकवेटर मशीन की ट्रेनिंग हो रही है और ये हमारा पूरा फील्ड है। फील्ड को दिखाएंगे थोड़ा सर्च करो आप, ये हमारा पूरा फील्ड एरिया है जो कि बहुत बड़ा ये फील्ड एरिया हमारा, और यहीं पर हमारा ट्रेनिंग होता है और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आए आप और सीखें। डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कामयाब ऑपरेटर बन के जाएंगे।